आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उसे मस्जिद के बदले दूसरी जगह पर दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन भी मंजूर नहीं है। लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लंबी बैठक हुई। पहले तो ये बैठक नदवा इस्लामिक सेंटर में होनी थी, लेकिन एक शिक्षण संस्थान में मीटिंग करना कई सदस्यों को पसंद नहीं आया। इसके बाद बैठक लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दूसरी जमीन स्वीकार नहीं कर सकते हैं और न्याय हित में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मोहम्मद उमर और मिसबाहुद्दीन, इनकी तो कंसर्न मिल चुकी है, रिव्यू फाइल करेंगे। और पक्षकार डिफेंडेंट हैं। अगर हमारे सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट में ये तय करते हैं कि इसमें और फरीक को बनाया जाए तो फिर डिफेंडेंट्स हमारे पास हैं, वो भी हो सकते हैं रिव्यू पटिशनर्स। अभी राजीव धवन साहब हमारे सीनियर एडवोकेट पहले भी थे, आज भी हैं, वो भी रहेंगे इसमें। अब ये राजीव धवन साहब का मशवरे से लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन 30 दिन का होता है, तो 30 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न दलों के नेता पहुंचे। संसद की कार्यवाही सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से चलने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक को बुलाया था। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, अर्जुन राम मेघवाल सहित कई दलों के नेता पहुंचे। शीतकालीन सत्र में राजनीतिक गर्मी देखने को मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से भाजपा और शिवसेना के रास्ते अलग अलग हुए हैं, उसका असर दिल्ली की राजनीति पर भी देखने वाला है। शिवसेना अब एनडीए की बजाय विपक्षी खेमे में नजर आएगी। राज्यसभा में उनके सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं ने कहा था कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र सरकार के विधायी एजेंडे के नाम रहा था, लिहाजा दूसरे सत्र में जनता से जुड़े अहम सवालों को उठाने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। माना जा रहा है संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता विधेयक समेत 27 बिल संसद में पेश किए जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मेरा काम खत्म हो गया है, मेरे जैसे लोगों के लिए सेवानिवृत्त लेने का समय आ गया है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाने के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 67 वर्षीय सांसद गिरिराज सिंह विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं और देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों के लिए वे मजबूती से वकालत करते रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक यात्रा में भाग लिया और कहा कि देश में जनसंख्या में वृद्धि की जांच करने की जरूरत है। इससे पहले जनवरी में उन्होंने कहा था कि कुछ समुदाय विशेष रूप से जनसंख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। कार में सवार मिर्जा परिवार खरगोन जिले के कसरावा शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान उनकी कार पर एक ट्रॉला चढ़ गया। मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए थे। वे लगातार यहां तेज गति से जाने वाले भारी वाहनों को लेकर शिकायत कर चुके हैं। हादसा रविवार सुबह हुआ जब मिर्जा परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वे जैसे ही मंडवाड़ा के पास पहुंचे, दूसरी ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रॉले ने उन्हें टक्कर मारी और कार के ऊपर चढ़ा दिया। मौके पर ही कार में बैठे 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। ट्रॉले के नीचे आने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रास्ते से गुजर रहे अन्य लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी और अंदर फंसे घायल बच्ची को बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन के जरिए ट्रॉले को कार के ऊपर से उठाया गया और फिर शवों को बाहर निकाला गया। खेल मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की मुलाकात ने मध्य प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। बता दें कि जीतू पटवारी रविवार सुबह साइकिल चलाकर सुमित्रा महाजन से मिलने उनके घर पहुंच गए।
जहां बंद कमरे में उनकी करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि जीतू पटवारी और सुमित्रा महाजन दोनों इसे सौजन्य मुलाकात बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगरीय निकाय चुनाव से पहले इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने और फिर महाराष्ट्र का राज्यपाल न बनाए जाने से पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आहत है। सुमित्रा महाजन की अपनी पार्टी से नाराजगी कांग्रेस के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे में खेल मंत्री जीतू पटवारी से बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक बातचीत, जो नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले हुई, ये मुलाकात सियासी रूप से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सुमित्रा महाजन अपने बेटे मंदार महाजन को सक्रिय राजनीति में देखना चाहती हैं। वहीं खेल मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि उनकी मुलाकात को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग से नगरीय निकाय चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ताई का स्नेह और मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहे वो जरूरी है। उन्होंने कहा कि ताई का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, उनका मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में मराठी समाज के लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में ताई ने मुझे निर्देशित किया, वो बात भी करनी थी। वहीं सुमित्रा महाजन ने अपनी पार्टी से नाराजगी के सवाल पर टालते हुए मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि अभी तो वो बहुत खुश दिखाई दी। सुपेला इलाके में माया नाम की अभिनेत्री पर एसिड अटैक की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर से बाहर निकल रही थी, इसी दौरान किसी युवक ने उस पर केमिकल फेंक दिया, जिससे उसे तेज जलन हुई और उसका शरीर झुलसने लगा। युवती को जिला अस्पताल दुर्ग में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। माया साहू छत्तीसगढ़ी फिल्मों की अभिनेत्री है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर पीड़ित युवती माया साहू सुपेला स्थित अपने घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक वहां पहुंचा और बोतल में रखा केमिकल उस पर उड़ेल कर फरार हो गया। इसके बाद युवती दर्द से छटपटाने लगी। सड़क पर मौजूद लोगों ने युवती को उठाया और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और युवती को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने युवती पर एसिड से हमले की पुष्टि की है। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। यह घटना शहर के बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि युवती के सिर पर भी चोट आई है। मध्य प्रदेश में शुद्ध हवा से दूषित होने पर सभी चिंतित हैं। प्रदेश में सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। उस पर अब उखड़ी हुई सड़कों के गड्ढों से उड़ रही धूल ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर शहर में देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते से यहाँ के वातावरण में धुंध और गर्द की परतें साफ देखी जा रही हैं। यही वजह है कि प्रदूषण का मानक PM10 जो डस्ट से बढ़ता है 211.02 पर जा पहुंचा। PM2.5 जो वाहन प्रदूषण का मानक माना जाता है बढ़कर 138.65 पर जा पहुंचा, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि इसके पार्ट काफी सूक्ष्म होते हैं जो सीधे मुंह और श्वास नली के माध्यम से सीधे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। जानकारों की माने तो PM10 अधिकतम 100 और PM2.5 अधिकतम 60 के आसपास होने चाहिए। खास बात यह है कि प्रशासन भी मानता है कि ग्वालियर शहर कुछ ज्यादा ही प्रदूषित होता जा रहा है। वाहन प्रदूषण और खराब सड़कें इसके लिए दोषी हैं। व्हीकल बढ़ता चला जा रहा है, रोड उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। एक एक घर में चार चार गाड़ियां आ गई हैं। दूसरा, जो व्हीकल का जो मेंटेनेंस होता है वो टाइमली नहीं होता है। पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो डीजल के बजाय वो कैरोसिन से चला रहे हैं, उससे भी होता है। कई जगह मैंने स्वयं इस चीज़ को महसूस किया है और देखा भी है कि लोग कचरा इकट्ठा करके फेंकने के बजाय उसको सही जगह पर निस्तारण करने के बजाय उसमें आग लगा देते हैं, तो वो भी एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। चिकित्सक कहते हैं कि ग्वालियर में संक्रमण जनित बीमारियों का बड़ा कारण यहाँ का बढ़ता प्रदूषण है, जो वाहनों के काले धुएं और सड़कों से उड़ती धूल की वजह से है, जिससे खांसी जुकाम गले की बीमारियों के साथ सांस की बीमारियों को पैदा कर रहा है। यही वजह है कि इस प्रदूषण के संक्रमण से रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि जो टेम्पो है ना, जो डीजल चल रहे हैं, इनको पहले बंद करा दें। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको बंद करा रहे हैं और इसके लिए बैठक भी करेंगे और इनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि ये CNG से चलने वाले टेम्पो लें,
और अगर नहीं मानेंगे तो हम इसको जबरदस्ती बंद कराएंगे, क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी बड़ा है, इसमें कहना है, उनका बड़े आदेश है, उच्च न्यायालय का भी आदेश है, और ये टेम्पो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इंदौर की कॉलेज छात्रा शुभि जैन का अपने अंदाज में ट्रैफिक रूल्स बताने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रा रेड लाइट पर रुके वाहनों के पास जाकर लोगों को ट्रैफिक के नियम बता रही है। टू व्हीलर पर जो कोई बिना हेलमेट के नजर आता है उससे कहती है कि आप हेलमेट पहनिए। कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह देती है। जो कोई भी सीट बेल्ट और हेलमेट लगाए नजर आता है उसे धन्यवाद देती है। शुभि जैन का कहना है, उम्मीद है हम सभी अपने प्रयासों से जल्द ही इंदौर को ट्रैफिक में आदर्श शहर बनाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनके इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। शहर के लोगों का कहना है कि जिस तरह स्वच्छता में इंदौर नंबर वन बना है, उसी तरह ट्रैफिक रूल्स का पालन करने में भी इसे नंबर वन होना चाहिए। वीडियो में एक जगह शुभि एक व्यक्ति से कहती है कि सर आपके पास तो हेलमेट है, प्लीज इसे पहन लीजिए। उनके इस आग्रह के बाद वो व्यक्ति तुरंत अपना हेलमेट पहन लेता है। बाकी सबसे वो कहती हुई नजर आ रही है कि सर कोशिश करें कि आप अगली बार हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं। शुभि के इस अंदाज को युवा खासा पसंद करते हैं। छतरपुर में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनसे अपने झूठ के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की। राहुल गांधी ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ सड़क पर उतर आई है। बीजेपी ने मांग की है कि अब राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी से माफी मांगे। बीजेपी ने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और ललिता यादव की अगुवाई में छत्रसाल चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस को झूठ की आदत पड़ गई है, एक गाल पे तमाचा पड़ा, दूसरे पे भी पड़ चुका है, अब उसको स्वीकार कैसे करें? क्योंकि वो जानते हैं कि इसको हम ठीक ढंग से स्वीकार कर लेंगे तो लोग हमको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देंगे। लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, वो कटघरे में खड़े हो चुके हैं। उनके चोर शब्द का खंडन, चोर शब्द पर बदला हिंदुस्तान की जनता ने लोकसभा चुनाव में ले लिया है। पुलिस और जेल विभाग की समीक्षा बैठक लेने सागर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली टीआई को हटाने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने सागर कोतवाली के टीआई राजेश बंजारे को हटाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने टीआई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सर्किट हाउस में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव भी मौजूद थे। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर बाला बच्चन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि एक भी घटना न घटे, लेकिन अगर कोई घटना होती है तो हमारा प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो और आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके। आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हम कोशिश करते हैं कि एक भी घटना न घटे, कोशिशों के बावजूद भी अगर घट जाती तो हम बहुत जल्द उनका पर्दाफाश करते हैं जिससे कि पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक भी घटना न घटने दें, उससे संबंधित हमारी मीटिंग चल रही है। जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो एक बेटी की माँ को मंत्री के पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। माँ मंत्री जी से बार बार कह रही थी कि मेरी लापता नाबालिग बेटी को तलाशने में पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। आपको बता दें कि ग्वालियर किला गेट थाना के सामने सड़क पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को देख महिला उनके पैरों में गिर गई और रो रो कर अपनी बेटी को तलाशने की गुहार लगाती रही। महिला ग्वालियर थाना पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगा रही थी। मंत्री ने भी महिला को उठाया और तत्काल पुलिस अधिकारियों से बात की। मंत्री ने मौके पर थाना स्टाफ को बुलाकर बच्ची को तलाशने की कड़ी हिदायत दी और कहा, गरीबों की भी सुनो। भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की, जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की सबसे कठिन थानेदार की। इस बाल गायक का नाम राजा ठाकुर है और ये अपने खेत पर बैठकर थानेदार की महिमा का बखान कर रहा है। राजा ठाकुर बुंदेली लोकगीत शैली में अपनी बात कह रहे हैं। उनके इस गीत में थानेदार की कार्यशैली और उस पर व्यंग साफ नजर आ रहा है। बुंदेलखंड इलाके में थानेदार को सबसे बड़ी तोप माना जाता है और उनका रुतबा
किसी आईजी से कम नहीं होता। इलाके में जो थानेदार कह दे वही सबसे बड़ा सच है। राजा ठाकुर के इस गीत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष भी है और लोकगीत की मस्ती के साथ व्यंग भी। जितनी पोस्टें हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। लफड़ा झपड़ा जब बिद जावे, करण रिपोर्ट थाने में जावे, पहले पैसा उते चढ़ावे, तब मुंशी कलम चलावे। लफड़ा झपड़ा जब बिद जावे, करण रिपोर्ट थाने में जावे, पहले पैसा उते चढ़ावे, बाद में मुंशी कलम चलावे। हाँ नंगा दे लगने हाँ, हाँ नंगा दे लगने बात ना उधार की, सबसे कठिन थानेदार की। जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। हाँ जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। इस लोकगीत में मंत्री पर भी कटाक्ष है और ये बताया गया है कि बड़ा तो थानेदार ही है, उसी के कहने से एफआईआर कटती है। इस गीत में गुंडे बदमाशों पर व्यंग है कि मार सबको ठीक कर देती है, पहले हथे वे धुरंधर, बने फिर हथे जोन सिकंदर, पुलिस की मार में भय सरेंडर, खबर बिसरे न जिंदगी भर मार की। पहले हते बहुत धुरंधर, बने फिर हते जोन सिकंदर, पुलिस की मार में भय सिलेंडर, खबर बिसरे न जिंदगी भर मार की, सबसे कठिन थानेदार की। जितनी पोस्टे हैं भैया सरकार की, सबसे कठिन थानेदार की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।